हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे अभी मैं जो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ सारी बाली के अंदर है, और अभी हम लोग जा रहे हैं उबुद जगह पे। कुछ वाटरफॉल हैं, कुछ टेंपल हैं, एक दो चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। सो ये है हमारी टैक्सी जो लेके जाएगी हमें हमारे डेस्टिनेशन तक। What's this, bro? This is decoration. What's this? Just a decoration. Nice work, nice decoration. So guys, meet our friend Leo. So hello. Leo लेके जा रहे हैं हमारे को हमारे डेस्टिनेशन पे। सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हमेशा बफर लेके चलना गाइस, मेरे ब्लॉग्स में हमेशा बोल रहा हूँ मैं, कहीं भी जा रहे हो तो बफर लेके चलना, टाइम का नेविगेशन में चेक कर लेना, क्योंकि हमेशा ही आपको रोड्स पे जाम मिलने वाला है। दो तीन चीज़ें, तीन चार चीज़ें जितनी भी कवर हुई वो सब कवर कर लेंगे आज। लग रहा होगा कि कोई चीज़ स्किप करनी है तो वो स्किप भी कर देंगे, लेकिन कि मज़ा तो आना चाहिए, फील तो आए जहाँ भी जा रहे हैं। सो लियो, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच उबुद? शाहरुख खान को सब जानते हैं, और किसी को कोई जाने नहीं जाने, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ शाहरुख खान को सब जानते हैं। यू नो सलमान खान? आई नो द नेम। यू नो द नेम? आई फॉरगेट द। हैव यू सीन शाहरुख खान? कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान इज एवरीवेयर। फिर से ट्रैफिक। रोड्स तो सही है यहाँ की, बल्कि गड्ढे वगैरह तो नहीं है यहाँ पे रोड्स पे, मोस्टली नहीं है ना। हाँ हाँ, गलियों में भी जो भी हम लोगों ने छोटी रोड्स पे भी यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ भी ठीक है। खींचना नहीं है, खेल लो। मामू लेट के जाएंगे, स्पेस बहुत है लियो की गाड़ी में। व्हाट्स योर कार नेम? सुजुकी एरिना। सुजुकी एरिना। So guys, अभी हम लोग आए हैं बिदादारी बातिक, जहाँ पे कपड़ा बनता है। सो ये लोग डाई कर रहे हैं, अभी अंदर भी जाकर के हम आपको दिखाएंगे कि क्या है, सारे डिजाइन वगैरह यहाँ पे बना रहे हैं। क्या इसी से इतना पक्का हो जाता है? हाँ, ये डाई है ना पूरी। कलर भी तो चले आते हैं इनके। उतर धोने से उतर जाता हुआ यहाँ पे भी ये सारा, ये यहाँ पे ये बनता होगा ना सारा, ये वाला ये कपड़ा बनता है यहाँ पे। यहाँ पे सारी कलेक्शंस है, अंदर बाहर काम हो रहा था, इसी तरीके से अंदर सारी कलेक्शंस है। ये गाइज, यहाँ पे शर्ट्स देखते हैं, बहुत ही सुंदर डिजाइन्स हैं। देखिए हैट ठीक करो इसकी, हैट ठीक करो मम्मी, इसको करने दो, हैट ठीक करो इसकी। Yes, good. Shano is your friend? Collection तो सारी ही अच्छी है, है ना? लियो से चलो 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 मींस गो, लेट्स गो, चलो।
सो गाइज बीदादारी आतिक से हम लोग बाहर आ गए हैं, एक दो चीजें परचेज करी हम लोगों ने, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ रेट्स कम नहीं है और ये भी श्योरिटी नहीं है कि जो अंदर आपको मैंने चीज दिखाई थी वो जो बाहर हाथ से काम कर रहे थे वो वहीं से थी या डायरेक्टली मिल से आ रही है। लड़कों की प्रिंटेड शर्ट से लेकर बच्चों का सामान, लड़कियों के पर्सेज एंड ऑल चीजें बहुत अच्छी थी। सो चलते हैं नेक्स्ट जगह की तरफ। सो गाइज देखिए जैसे अभी हम लोग मूव कर रहे हैं तो गाड़ियां एक तरफ है, टू व्हीलर्स के लिए अपने आप लोगों ने यहाँ पे स्पेस दे रखा है, अगर इंडिया होता तो दोनों जगह पे गाड़ियां चल रही होती है और टू व्हीलर फुटपाथ पे चल रहे होते हैं। मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, सारे काले बादल उपड़ेंगे भाई। इतने सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे बाली में कि अभी मैं नोटिस कर रहा था, देखो ये भी टेम्पल है, घर है, फिर टेम्पल है, यहाँ भी देखोगे अगर आप तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे घर आ जाता है फिर कोई टेम्पल आ जाता है। बारिश हो गई है रास्ते में, बढ़िया मौसम हो गया एकदम। सो गाइस एक जगह और रुके हम लोग, यहाँ पर आर्ट वर्क हो रहा है अपने, सारा हाथ से ही बना रहे हैं ये लोग। हेलो हेलो हेलो, ये भाई वहाँ से वॉक करने के बाद इसको पॉलिश कर रहे हैं और ये इनका अंदर जो है वो डिस्प्ले सेंटर हुआ आई थिंक, ये देखते हैं अभी हम अंदर जाके। वाओ इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ये कितना हैरानी की बात है, सब इन लोगों ने हाथ से बनाया हुआ, देखो कितने सारी चीजें हैं यहाँ पे। This is art gallery. क्या कह रहे पापा? Art gallery में। हाँ, ये art gallery है इनकी, बाहर काम हो रहा था, ये इनकी gallery है। ये क्या है इसका नाम? Simba Young art gallery. Simba Young. Hello, namaste. Hello, namaste. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namaste. Om Namah Shivaya. Carving, you know, like this, very detailed. He make carving from by imagination. Oh, okay. Very detailed and long time. $180 kitna hua? Less 30% discount. 180 into 10,000 ke aaspaas. Kafi mehenga nahi hai? But we have very special wood here. Very special wood. Yes. Which type of wood is there? Crocodile wood, you know, crocodile because in the back look like crocodile from the skin. We call crocodile. It's a crocodile skin. Yes, like similar like crocodile skin. रेट तो ज्यादा है बट वही है ना, हाथ से सारा काम किया होगा ना, कारीगर के तो पैसे हैं। हाँ हाँ उसी के, बस आर्ट का पैसा है, मेहनत तो बहुत है। सो गाइज ये तो है इनकी आर्ट गैलरी जो सारा का सारा काम वुडन से इन लोगों ने किया हुआ है, एंड सेम बियांग आर्ट गैलरी नाम है, गियां यार जगह पड़ती है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। सो यहाँ तो हम लोगों ने कुछ देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा आर्ट वर्क है, बहुत महंगा है, लगा नहीं कि कुछ ख़रीदना चाहिए यहाँ से, मतलब अगर आपको शौक़ है कुछ डेकोरेटिव्स के लिए तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं यहाँ से। तो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। करती हूँ तुझसे तुझी से मैं प्यार। तो गाइज अभी हम लोग पहुंचे हैं एलिफेंटा टेंपल, गोवा गजा टेंपल जिसको कहते हैं, गिया यार बाली जगह का नाम है। सो दिस इज द टेंपल नेम, गोवा गजा गिया यार बाली, एलिफेंटा टेंपल भी बोलते हैं इसको। इंडियन फूड। Look at mamu.
हेलो शाहरुख, आ जा रहे हो लंच करने जा रहे हो? चलो आ जाओ। एंट्री देख कितनी खास है। सो यहाँ पे हम लोग लंच करने वाले हैं, इंडियन फूड यहाँ मिलेगा हमें। सो व्हाट्स द प्लेस नेम? यस, ओके, सो प्लेस इज पुरी सुलिंग। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है गाइज, यहाँ पे आना बनता है आप लोगों का। ये पीछे आवाज़ आ रही है पानी की, हो सकता है आप पीछे से कोई पानी बह रहा हो। ये स्टेप्स, यहाँ नीचे पानी की आवाज़ आ रही है, उधर बैठे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। तो बहुत ही अच्छी जगह है, लश ग्रीन है, लश ग्रीन, ये सारा ग्रीन है। चेक द एम्बियंस, ये सारा वुडन से बना रखा है। एंड यहाँ भी सेटिंग है, पीछे हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ भी सेटिंग है। नहीं, ये स्विंग कितना बढ़िया है, वरुण ऐसे ही स्विंग होते हैं यहाँ पे बाली में। हाँ हाँ, बहुत सही स्विंग है ये, अगर ये होता तो मज़ा आ जाता। खाना पता नहीं कैसा होगा, बट लोकेशन तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सो गाइज, हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक दाल। व्हाट्स दिस? गादो गादो। गादो गादो क्या होता है ये? यहीं की डिश है, बलनी तो यहीं की। दिस इज आलू गोभी, ऑनियन, गादो गादो। इसके अंदर क्या क्या है? ये सारे वेजिटेबल्स हैं तो सारे ना। यस, अच्छा खाली चपाती खा लो। सो गाइस, ये लोग देते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लेमन ड्रिंक विद सम चिप्स। बहुत ही टेस्टी लेमन ड्रिंक है ये। सो गाइस, सी द करेंसी, 1 लाख रुपए का नोट, ये इनकी करेंसी है, इंडोनेशियन करेंसी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। सो गाइस, जस्ट कंप्लीटेड लंच, गादो गादो जो हम लोगों ने ऑर्डर किया वो बहुत अच्छा था। बाकी अगर आप यहाँ पे, प्लेस इज वेरी गुड, मतलब आपको यहाँ पे पिक्स क्लिक करनी है या आराम से बैठना है, बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस था। और जो हमने दाल ऑर्डर की थी, इनका टेस्ट डिफरेंट, आई थिंक जो स्पाइसीज ये लोग यूज़ करते हैं जो इंडोनेशियंस, वो बहुत डिफरेंट सा था, मतलब हमें वो टेस्ट पर्सनली लाइक नहीं आया। तो अब जा रहे हैं टेंपल के अंदर, यहाँ से इसकी एंट्री टिकट पहले लेनी पड़ेगी, तो एंट्री टिकट लेने के बाद देन हम लोग जा रहे हैं टेम्पल, देन फर्दर एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें। तो ये इसका एंट्रेंस गेट है, टिकट्स के लिए यहाँ से टिकट्स मिलेंगी $5 से, तकरीबन इंडियन रुपीज़ में 300 रुपये की एंट्री है, यहाँ से ले ली। सो ये हो रही है यहाँ पे टिकट चेकिंग। एंड जो शॉर्ट्स पहनेंगे, जस्ट लाइक अभी हम लोग वहाँ गए थे उलुवाटू, वहाँ पे भी आपको अगर शॉर्ट्स पहनना की है पूरा कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज वेस्ट के साथ को बांधना पड़ेगा। सर रोहित को पूरा बांधना पड़ेगा ये, श्रुति को भी, एंड पापा जो है वो वेस्ट के, पापा वो सिर्फ वो ले लो ना, वेस्ट के लॉन्ग जो वो एक कपड़ा बांधना है। सरोंग। सो ये रास्ता है, लोकेशन जबरदस्त है, यही सारे टेंपल्स ये बने हुए ना सारे। गाइज, ये केव की एंट्री है, एलिफेंट केव की। गाइज, ये सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत पुराने मंदिर है ये, उधर केव से भी हम लोग होकर आए हैं। यहाँ पर गाइज एक यूनिक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपको बियर भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मंदिर का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है, पूजा पाठ का सामान भी मिल जाएगा एंड बियर भी मिल जाएगी, कूल कॉन्सेप्ट। और नारियल देखिए, नारियल नहीं, नारियल का बाप है ये। कितने का है ये? 120 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। स्ट्रॉ देना। और सो गाइज, आफ्टर द टेम्पल हम लोग आ गए हैं टेगनुनगन वाटरफॉल में, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। सो गाइज, ये है टेगनुनगन वाटरफॉल और 120 रुपये की एंट्री है यहाँ पर। ये सामने आप वाटरफॉल देख रहे हैं, नीचे पूल है, सामने एक ये ब्रिज है।
वाटरफॉल आप मेरे सामने जो ये देख रहे हैं, ब्यूटीफुल प्लेस है, लश ग्रीन है सारा आसपास का इलाका। How's the feel? How's the feel? तो गाइस जो ये रिजॉर्ट बना हुआ है ओमा का, ये नाइट व्यू है। अभी हम लोग वापसी जा रहे हैं। ये सामने इसका स्विमिंग पूल है, देन सेटिंग्स हैं, अंदर इसका बार है, रेस्टोरेंट है, बाहर भी सेटिंग है, पीछे ये वाटरफॉल है जहाँ पे हम लोग थे, एंड ये वो ब्रिज है जो फाइबर ग्लास से बना हुआ है। ये इसके अंदर लाइट चल रही है इस टाइम, बहुत अमेजिंग लग रहा है। एंड ओवरऑल ही यहाँ पे जो भी व्यू आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। हम लोग खा रहे हैं भुट्टा, कोई हाथ से नहीं है भुट्टा, पैन से ये अपने आप ही कोयला जलेगा, ये बन जाएगा। तुझे कैसे लग रही है? सही है। सो गाइस, जैसे यहाँ पे बाली इंडोनेशिया में इतने सारे टेंपल्स हैं, आज इनका एक फेस्टिवल है टेम्पुंग व्यांग करके, और अभी हम लोग खड़े हैं टेंपल के बाहर। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और इनका जो ये फेस्टिवल है वो दिखाता हूँ किस तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये हिंदूज के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, जो आइलैंड पे लोग हैं यहाँ पर वो लोग सेलिब्रेट करते हैं टेम्पुंग व्यांग करके। ये एक फेस्टिवल है, हर 6 महीने बाद ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अंदर कैसे ये लोग डांस स्टेप चल रहा है, और आपको दिखाता हूँ मैं। और ये मेरे कुछ दोस्त मिले हैं यहाँ पर। चलो मीट माय इंडोनेशियन बाली फ्रेंड्स, से नमस्ते। तो गाइस टेंपल से टुवर्ड्स हमारे रिजॉर्ट जाते हुए, जगह का नाम है देवी श्री, एंड हम लोग आए हैं अगुंग बाली। एक पूरा एक शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे, आपको बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे। हमारे ड्राइवर ने अभी हमारे को बताया, तो हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर। सो दिस इज़ द नेम अगुंग बाली। सो ये सारी टी शर्ट्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, इतना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है। जस्ट लाइक जैसे हमारे वहाँ पे इंडिया में स्टोर्स होते हैं, उसी तरीके का स्टोर है ये। ये सारे स्लीपर्स हैं यहाँ पर। गाइस पहुंच गए हैं विला में वापसी, और काफ़ी हेक्टिक था आज का दिन। देखा आपने काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर की, तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वाटरफॉल वगैरह अच्छा लगेगा आपको अगर आप यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग भी करनी है अगर आपको, तो कुछ जो चीज़ें मैंने आपको अभी दिखाई थी आप वहाँ पर ज़रूर विज़िट करना। बाकी कल वापसी है, सिंगापुर जा रहा हूँ पहले मैं, देन आई एम गोइंग टू इंडिया ऑन 3rd। आज है 29th अप्रैल। इसको एडिट करके मैं कुछ दिनों में अभी अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। कल भी हो सकता है कि मैं एक व्लॉग शूट करूं जो कि बाली टू बैक टू सिंगापुर रहेगा। सो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड गुड नाइट।